लेट्स लर्न अबाउट एलिप्स। अब एलिप्स कैसा फिगर होता है, यू कैन से कंपेयर करो कि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में क्या डिफरेंस है। तो एक अल्फाबेट याद रखना, ई नाम है एक्सेंट्रिसिटी। पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है, जबकि एलिप्स की लेस देन 1, हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 और सर्कल की इक्वल टू 0। इन शॉर्ट, एक्सेंट्रिसिटी पहली बात तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी 0 होती है, पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है, एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में होती है, और हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा, बिगर देन 1। नाउ एलिप्स फिगर कैसा होता है, लेट अस से ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इस पर ओवल शेप, यू कैन से सॉर्ट ऑफ ओवल, अंडा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स, सिमेट्रिकल अबाउट वाई। इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स इज एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। व्हेन आई कंसिडर इन एलिप्स, ये ए क्या होता है, व्हाट इज ए? ए को तुम ऐसा बोल सकते हो, इट इज डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स, या फिर चलो ऐसा समझो, ओरिजिन है, इसे वर्टेक्स बोलते हैं। चार वर्टेक्स होते हैं, दिस इज राइट वाला, अप, लेफ्ट एंड डाउन। वर्टेक्स आर नथिंग बट जहां आपका कोनिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कट करता है उसे वर्टेक्स बोलते हैं। इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है ए कॉमा जीरो, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए कॉमा जीरो, अपर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है 0, B एंड लोअर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है 0, -B। फर्दर यहां पहला फोकस होता है, फर्स्ट फोकस, और यहां सेकंड। सर अब ये सेकंड फोकस कहां से आया, एलिप्स में दो होते हैं, पैराबोला में एक ही फोकस होता है। व्हाट इज फोकस ऑफ अ एलिप्स, ए इंटू ई कॉमा जीरो, और दूसरा सिमेट्रिकल, माइनस ए इंटू ई कॉमा जीरो। लिस्ट बनाते जाओ, इंपॉर्टेंट है। तो एलिप्स के वर्टेक्स क्या क्या होते हैं, ए कॉमा जीरो, माइनस ए कॉमा जीरो, 0, B, 0, -B। एलिप्स का फोकस क्या होता है, व्हाट इज फोकस ऑफ दिस एलिप्स? तो इस एलिप्स का फोकस होता है ए ई कॉमा जीरो माइनस ए ई कॉमा जीरो। आई होप आपको समझ रहा है, मैंने बोला ई मतलब क्या, ई मतलब एक्सेंट्रिसिटी। ये बेसिकली एक्सेंट्रिसिटी एलिप्स की, आप ऐसे सोच सकते हो कि ओवल अंडा जितना चपटा रहेगा, कंप्रेस्ड, उतनी उसकी एक्सेंट्रिसिटी ज्यादा रहेगी, मतलब 0.9 के आसपास,
0.9 या 0.8। जबकि अगर ओवल है लेकिन ऑलमोस्ट सर्कल जैसा ही दिखता है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, अर्थ, तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी 0.1, 0.05, 0.2 कुछ ऐसी रहेगी। तो एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू ऐसा रहता है, जितना ओवल कंप्रेस्ड रहेगा एक्सेंट्रिसिटी उतना 1 के नज़दीक रहेगी, और जितना सर्कल के जैसा दिखेगा उतना वो 0 के नज़दीक रहेगी, पर वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी। चलो ये हुए फोकस। देन कम्स डायरेक्ट्रिक्स, याद रखना अपने पैराबोला में भी डायरेक्ट्रिक्स पढ़े थे। डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक लाइन होती है जो कोनिक के बाहर है, परपेंडिक्यूलर टू दी एक्स एक्सिस, इस केस में एक्स एक्सिस, और ऐसी ही एक लाइन पीछे भी होगी। इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस होती हैं एक्स इक्वल टू ए बाय ई और एक्स इक्वल टू माइनस ए बाय ई। तो आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस लिख सकते हो एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस ए बाय ई। बहुत सारे स्टूडेंट हमको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पैराबोला में आपने एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए ऐसे डायरेक्ट्रिक्स सिखाए थे, अब यहाँ बाई आ गया। तो मैंने बोला ना पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है, तो वहां का फॉर्मूला भी ऐसे ही समझो, एक्स इक्वल टू ए बाई बट ई इज 1, तो एक्स इक्वल टू ए बाय 1, इसीलिए वहां एक्स इक्वल टू ए आता है या एक्स इक्वल टू माइनस ए बाय 1 आता है। That is why ये सारा गेम E का है। अगर E 1 होगा तो इसके फॉर्मूले और पैराबोला के फॉर्मूले तुमको सिमिलर दिखेंगे। अच्छा सर आपने एलिप्स में वर्टेक्स बताया, पैराबोला में नहीं बताया, मेरे चारों पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन ही था। चलो डायरेक्ट्रिक्स समझा। अभी एवरीबडी स्टार्टेड क्लेमिंग के सर एक्सेंट्रिसिटी निकालने का कैसे, तो एक्सेंट्रिसिटी का भी फॉर्मूला है, इट्स रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। समझ के चलो, डायग्राम में क्लियर समझ में आना चाहिए कि इस डायग्राम का ए बड़ा होगा और बी छोटा, इसीलिए रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। सपोज एलिप्स वर्टिकल हो गया तो बी बड़ा होगा ए छोटा होगा, करस्पॉन्डिंगली फॉर्मूला बदल जाएगा, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर एक्सेंट्रिसिटी। देन लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, याद है ना पैराबोला में लैटस रेक्टम क्या था, ये देखो फोकस से पास होने वाला परपेंडिक्यूलर कॉर्ड, उसे लैटस रेक्टम बोलते हैं। और इस केस में तुम्हें समझ सकता है कि सिंस फोकस ही दो हैं तो लैटस रेक्टम भी दो होंगे, सो देयर आर टू लैटस रेक्टम्स इन दिस केस। नाउ चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होगा, इसका लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम होता है 2b² / a। इसका लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज 2b² / a। अच्छा तो इसके एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम भी होंगे प्रोबेबली, तो इसके एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम क्या होंगे, थोड़ा सा लॉजिक हिट करो वापस, जो मैंने पैराबोला में भी समझाया था। ये आपका फोकस है, फोकस से परपेंडिकुलर पास ऑन कर रहे हो, मतलब ये पक्का है कि ये अपना x कोऑर्डिनेट तो कॉपी करेगा, ए ई कॉमा सेम वे ए ई कॉमा, इधर भी आ जाओ ए ई कॉमा, तो ये माइनस ए ई कॉमा, और इधर भी माइनस ए ई कॉमा। तो व्हाट विल बी लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ए ई कॉमा समथिंग
वापस ए ई कॉमा समथिंग माइनस ए ई कॉमा समथिंग माइनस ए ई कॉमा समथिंग। अब सर ये समथिंग क्या आएगा? आधा याद रखो तो बाकी का आधा ऑटोमेटिकली आएगा। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम पैराबोला में कितना था? 4a। इसीलिए पैराबोला के एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम में 4a का आधा म्हणजे कौन 2a एंड पॉइंट्स में कंट्रीब्यूट करता है। सेम वे इसका लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या है? 2b² / a। तो इसका आधा एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम में कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब ae, b² / a, ae, -b² / a, -ae, b² / a, -ae, -b² / a। तो ये होंगे इसके एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम। सोचो एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम याद रखना कितना इजी था। फोकस याद है तो एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम का एक एक कोऑर्डिनेट याद हो गया। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम याद है तो दूसरा दूसरा कोऑर्डिनेट भी याद हो गया। उसका आधा होता है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का। इतना डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। फिर इसमें एक कंसेप्ट होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो इसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा? 2a। सर ये मेजर एक्सिस क्या होता है? तो ये डायग्राम में देखो, यहां से लेके यहां तक का एक्सटेंट, एक तरह से ये सोचो कि a कॉमा जीरो से माइनस a कॉमा जीरो के बीच का डिस्टेंस, यानी दो वर्टाइसेस के बीच का डिस्टेंस, उसे उसने मेजर एक्सिस बोला है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a। अच्छा माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू हाउ। देखो ऊपर वापस, और दो वर्टेक्स थे, यहां से लेके नीचे वाले वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, इसको 2b बोला गया है। एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट यू कॉल लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। आई होप पूरा सिस्टम समझ रहा है। फिर एक तुम्हें याद रखना है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। अब कोई बोलेगा सर ये नया नाम कहां से आ गया? फोसाई, फोसाई इज नथिंग बट प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। अब तुम खुद देखो एलिप्स में दो फोकस है ना, इसीलिए उनके बीच का डिस्टेंस 2a। कॉमन सेंस है यार, कोऑर्डिनेट्स देखो ae, -ae, 0, तो डिस्टेंस तो 2ae होगा ना। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स? तो इनके डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इज 2a / e। अगेन सेम थिंग, ध्यान से देख, एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x = a / e, दूसरे का है x = -a / e। दोनों के बीच में डिस्टेंस ले ले, बराबर डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स आएगा 2a / e। अच्छा इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस, x = a cos थीटा एंड y = b sin थीटा। हाँ इसमें 80 square 280 जैसा गड़बड़ नहीं है। साइन और कॉस पार्ट लेते हैं। सोचो क्यों, एलिप्स की इक्वेशन पे ध्यान दो, इक्वेशन समझेगी तो पैरामेट्रिक बहुत इजी होगा समझने को। एक्स का भी स्क्वायर हो रहा है, वाई का भी स्क्वायर हो रहा है, बीच में एडिशन आ रहा है। नहीं लगता sin²θ + cos²θ = 1 या cos²θ + sin²θ = 1 वाली शक्ल बना रहा है? बस उसी को हिंट मान के ये बिगनिंग हुआ है। एंड वन लास्ट जो तुम्हें याद रखना ही होगा, समथिंग कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। नाउ इसका फोकल डिस्टेंस क्या होता है?
कॉमन सेंस बताओ, फोकस कितने थे इसमें? दो थे ना। अब अगर दो फोकस होंगे, मैंने एलिप्स पर कहीं तो एक पॉइंट लिया, लेट अस से एक्स वन कॉमा वाई वन, अगर ये वाले फोकस को ज्वाइन किया तो ये एक फोकल डिस्टेंस बनेगा, ये वाले फोकल फोकस को ज्वाइन किया और एक फोकल डिस्टेंस बनेगा, मतलब टोटल कितने फोकल डिस्टेंस हुए? दो। तो इसका फॉर्मूला भी दो आना चाहिए। है फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इजीली समझाओ ना तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसा मान के चलो कि इट इज ई इंटू ब्रैकेट ए बाय ई प्लस और माइनस एक्स वन, या फिर कोई कोई बच्चा ऐसे भी याद रखता है ई इंटू ए बाय ई प्लस और माइनस ए कॉस थीटा। थोड़ा जगह कम पड़ गई बट आई होप यू अंडरस्टूड, ए ई इंटू ए बाय ई प्लस और माइनस ए कॉस थीटा, नथिंग बट तुम्हारा पैरामेट्रिक में से मैंने एक्स उठाया है। ऑल इन ऑल आपको इतना एलिप्स आना ही चाहिए फॉर सीईटी। हाँ, इसका एक वर्जन और है, वर्टिकल एलिप्स। करस्पॉन्डिंगली फॉर्मूलाज बनेंगे यार, सेम होंगे। आई होप इट हेल्प्स। ओके बाय।